गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी। अब आप तक देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। आज फिर हम एगो पुल लेके आयल बनी आपके दिखावे खातिर। अक्सर कुछ अजूबा हम आपके दिखावे नहीं, चाहे पुल भइल, पुलिया भइल, सड़क भइल, कुछ ना कुछ हम अजूबा आपके दिखावे नहीं। कभी नाली ऊँच दिखावले रहनी है, कभी पुले पर चढ़े वाला दिखावल रहनी, केंगा कूद के लोग चढ़ेला। तो वैसे एगो और पुल मिल गया हमको निचल विकासखंड में, यह कटहरी कला। और कटहरी कला ए बगल पड़ेला और हे बगल सोहट गाँव पड़ेला, तो ओकरे सिवान में खादर सिवान कहल जाला, एमे पुल स्थापित बाटे। हम असलम सिद्दीकी और आप देखते हैं यूपी अब तक के भोजपुरी खबर। जानकारी मिलल है कि जुकमो पुल बड़ा ऊँच बनल बा। हम कहीं वो देखा दी कि आखिर बनाव वाला तो बनौलस खूब ऊँच, तनी और ऊँच चाहत रहे बना दहल, अभी कम में बा लगता ओकरे हिसाब से। आई लगभग 8-9 साल पहले बनल बा पुल। आ पर लोगवा जात के हुई सोचे कब ई बा, बनावला तो बना दिलस, पैसा निकाल लेलस, अब कहीं कि इनाम दहल जा। वास्तव में ऐसा ऐसा लोगों को ढूंढे के चाहें कि ठेकेदार कहाँ बने, इंजीनियर कहाँ बने। आखिर इस सिसमा क्षेत्र में ही इतना बढ़िया बढ़िया इंजीनियर कहाँ से चली आवत है, ठेकेदार जमीन भाई। देखिए हम खेत में खड़ा बानी, आई बगल में नहर हवे, आई सब खेत एक लेबलिंग में बा। कैमरा से कम्बाइन से कब दिखावे, खेत लेबलिंग में बा। और वो बगल सड़क भी देखा था ना, मोटरसाइकिल खड़ा बा, वो सड़क हवे। वो सड़क होते हुए अभी देखी पुल के ऊंचाई है, ये पुल के ऊंचाई देख ली कितना ऊँच बा। ए पर कैसे लोग गाड़ी लेके चढ़ी, खेती बा यहाँ कई गांव के कनेक्शन एजुकुआ से होला। एक बगल कटहरी काला बा, निचलो विकास खंड में पड़ेला, और दूसरी तरफ अगर एक वो बन जाए तो सोहट ग्राम सभा पड़ेला। आई खादर क्षेत्र कहल जाला कि खादर वाला क्षेत्र हवे, मतलब चारों तरफ खाली खेती बा। जब खेती बा तो ट्रैक्टर टाली अबे करी, किसानन के आवश्यकता के चीज़ है वो। अब बताई ए बॉल से ओ बॉल ट्रैक्टर टाली कैसे जाई, एगो मोटरसाइकिल चढ़ौले में तो लोगों को बुखार छूट जाता, कैसे चली। हम चलिए पुलों पर देखा होते चढ़ के, कैमरामैन से कहो थोड़ा सा ई देखावे है सड़क है बॉल, है लेबलिंग बा है सड़क, आ के तरीका से ई ऊंचाई पर चढ़त जाता है। ऊंचाई पर देखी लिफ्टवा लग जाते तो ठीक पल है। हम तो ये चाहब कि सिसमा विधानसभा में ऐसा ऐसा काम होता का कहे के। देखी है पुलिया बनल बाटे, अब बताई है बाइक वाला भी तनाई चल पाई है पर है, देखते ना कितना है कटल उटल बाटे है। आ ऊंचाई आ गई नहीं, अब हे बगल कैमरा सब जान ले बाबा है, अभी नीचे अब भाई देखी अब ये बगल उतरी है। अब ये तरीका से इतना ऊंचाई पर ट्रैक्टर टाली कहाँ से चढ़ पाई, चूँकि किसानन के क्षेत्र है, किसानन के बेल्ट है, खाली खेती बाड़ी होता तो जरूर गेहूँ लदवई हैं, गेहूँ कटवई हैं, जुताई करी हैं, तमाम किसान अपन काम करी हैं, गन्ना कटी, गन्ना लेके जाइए, कैसे जा पाई हैं इसी हे बोल है। देखी सब का है अई कितना नीचे पर खेत बा है, तो इतना ऊँच बनवैले के कौन जरूरत रहा है। अब समझे में नहीं आता एक के पास कहल पास कह दल तो बनी गई, तो भाई इंजीनियर आई हुई है देखे केंगा बनौता, ठेकेदार बनवावत हुई हैं, पैसा भी निकल गई, लेकिन एक जनता से कौन फायदा बा। जब मोटरसाइकिल वो बल से बगल अलम परेशान हो जाता है, ये पर ट्रैक्टर टाली चढ़िए नहीं पाई, तो ये पुल बनौले से कौन फायदा बा, हमारे जानकारी में नहीं कौन फायदा बा। हई खेत के लेवलिंग हई पानी देख ली है नहर के, अब इतना ऊंचाई पर ही पुल बनल बा। अरे कैमरामैन कब इधर भी थे दिखावे, अरे खेत के देखा तो नहीं लेबलिंग है सभी, आई सब ऊंचाई है। अब जब सब ये लेबलिंग बात इतना के लेबल से ना पुल बनने चाहिए कि आराम से सड़किया लेबल में रही, उससे ओ बल क्रॉस कर जाते हैं वो, लेकिन एकदम एक पहाड़ जैसा बना दे गई। अरे भैया तनी और तनी ऊँच टावर बना दे तो हो सकता था मोबाइल वाला काम यही पर चल गई रही, जो नहीं लगा होता ना सब टावर वा हो सकता यही पर टावर बैठ गई रही काम चल गई रही। आप देखते रहे यूपी अब तक, ये तरह कुछ ना कुछ अजूबा हम आपको दिखावत रह। अगर यूट्यूब पर देखता नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी, और फेसबुक पर देखता नहीं तो पेज के लाइक करी और शेयर करी।